आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का बिगुल बज चुका है और हर टीम ने तैयारी कर ली है अपने कुछ खिलाड़ियों को, अपने कोर को रिटेन करने की। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आईपीएल की आठों टीमों के, जो पुरानी आठ टीमें हैं, उन सभी के रिटेन्ड किए हुए प्लेयर्स के आधिकारिक रियल और कंफर्म नाम बताने वाले हैं। दोस्तों ये लिस्ट सबसे पहले हमारे पास है, तो इस लिस्ट के लिए लाइक बनना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें सबसे पहले हम ही आप तक पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। तो चेन्नई की टीम चार खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है आधिकारिक रूप से। चेन्नई चारों रिटेंशन का इस्तेमाल करेगी और महेंद्र सिंह धोनी इनकी पहली रिटेंशन होंगे, रविंद्र जडेजा दूसरी, उसके अलावा फाफ डू प्लेसिस तीसरी और ऋतुराज गायकवाड़ इनकी चौथी रिटेंशन होंगे। तो ये वो चार खिलाड़ी होंगे जो चेन्नई की तरफ से रिटेन होंगे। इसमें जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि ना ही रैना रिटेन हो रहे हैं, ना ही ब्रावो रिटेन हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये फ्यूचर प्लान में फिट नहीं हो रहे हैं दोनों खिलाड़ी सीएसके के। तो जो फ्यूचर प्लान में फिट होगा, जो कप्तानी की दावेदारी करेगा 2023-2024-2025 में, वो रिटेन होगा। और धोनी तो खुद नहीं होना चाहते थे, पर इनके मालिक बोल रहे हैं कि आप रिटेन हो। सो दैट इज वाई ये चार प्लेयर होंगे जो चेन्नई की तरफ से रिटेन होने वाले हैं। आपके हिसाब से किसे होना चाहिए चेन्नई की तरफ से रिटेन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप भी चेन्नई के फैन है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चेन्नई के बाद, अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। दिल्ली के लिए है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, क्योंकि यार इनकी टीम बहुत तगड़ी बन गई थी, बहुत अच्छे भारतीय खिलाड़ी थे, पर अब सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो इनकी तरफ से जो रिटेंशन होगी, ये भी चार खिलाड़ी रिटेन करेंगे। इनके नाम है दोस्तों ऋषभ पंत, उसके अलावा शिखर धवन, उसके अलावा कगिसो रबाडा और पृथ्वी शॉ। ये चार प्लेयर्स दिल्ली की तरफ से रिटेन होंगे। जो सबसे बड़ा नाम है रिटेन नहीं होंगे वो है श्रेयस अय्यर और रवि अश्विन। ये दोनों प्लेयर्स हमें या तो प्री पिक होते हुए नजर आएंगे या फिर नीलामी में जाते हुए नजर आएंगे। यहां पर दोस्तों अय्यर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तीन दिन पहले क्रिकेट फटाफट के एपिसोड्स में हमने आपको बता दिया था कि वो नहीं हो रहे हैं रिटेन, और अब दिल्ली की तरफ से भी ये आधिकारिक हो रहा है। अगर आप भी दिल्ली के फैन है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए आप भी कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली को किस किस को रिटेन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, खैर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करते हैं। केकेआर की टीम ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत सारे खिलाड़ियों को ये रख रहे हैं। रिपोर्टेडली तीन प्लेयर्स ये रिटेन कर रहे हैं, टोटल आप चार कर सकते हैं, लेकिन केकेआर तीन रिटेंशन का ही इस्तेमाल करेगी ताकि नीलामी में पैसा ज्यादा हो, लेकिन अच्छे रिटेंशन करेगी। जो खबर आ रही है दोस्तों, शुभमन गिल पहले रिटेंशन होंगे, वेंकटेश अय्यर दूसरे और वरुण चक्रवर्ती इनके तीसरे थर्ड रिटेंशन रहने वाले हैं। तीनों भारतीय खिलाड़ी रहेंगे। विदेशियों में से जो इनके कप्तान है वेन मॉर्गन, उनको अभी तक की स्थिति में रिटेन नहीं किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी है कि भाई उन पर फैसला आगे लिया जाएगा। तो वेन मॉर्गन को अभी रिटेन नहीं किया जा रहा है, आगे इन पर फैसला लिया जा सकता है, ये बड़ी न्यूज है। हालांकि ना एंड्रे रसल की तरफ देख रही है यहां पर केकेआर की टीम, ना ही सुनील नरीन की तरफ देख रही है, तो हो सकता है इस बार कुछ नया करने की, कुछ नया कोर बनाने की कोशिश है यहां पर केकेआर की टीम की। दोस्तों केकेआर को किनको रिटेन करना चाहिए कमेंट में बताइए, और अगर आप भी केकेआर के फैन है तो वीडियो लाइक कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आईपीएल 2022 की सारी खबरें सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल पर जाइए, कोई सा भी ब्राउजर खोलिए, क्रोम ब्राउजर या कोई सा भी ब्राउजर खोलिए, द रियल एमसीपी सर्च कीजिए, सर्च रिजल्ट में जो पहला रिजल्ट आएगा उसे खोलिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे, फॉलो कर लेना। ये सही तरीका मैंने बताया, गूगल वाले तरीके से ही फॉलो करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर मुझे सर्च करेंगे मैं मिलूंगा नहीं, मेरे नाम से फेक अकाउंट बहुत चल रहे हैं। तो सही तरीके के लिए भाई ये कर लेना आप और फॉलो कर लेना, क्योंकि एक एक अपडेट एक एक खबर सबसे पहले दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। पंजाब के शेर रिटेंशन में क्या करेंगे, तीन खिलाड़ी रिपोर्टेडली पंजाब टारगेट कर रही है। यहां पर टारगेट शब्द का इस्तेमाल मैंने क्योंकि अब बताऊंगा, क्योंकि केएल राहुल इनकी पहली रिटेंशन है, मोहम्मद शमी दूसरी, रवि बिश्नोई तीसरी। रुक जाइए भाई, आप बोल रहे होंगे केएल राहुल तो खुद मना कर चुके हैं। जी हां, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। पंजाब किंग्स ये बोल रही है कि हम तो केएल को रिटेन करेंगे, लेकिन केएल राहुल की तरफ से रिपोर्ट यह है कि वो नहीं होना चाहते। मसला फंसा चुका है, मसला पूरी तरीके से लॉक्ड इन हो चुका है, अंतिम फैसला केएल राहुल के हाथ में, इसीलिए अभी इनका नाम है विदेशी प्लेयर्स के रूप में। ये किसी को मतलब किसी ने इतना हैरान किया नहीं, इसलिए किसी के पीछे ये लोग जाएंगे नहीं। तो ये पंजाब किंग्स की रिटेंशन थी, मतलब पंजाब जो रिटेंशन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि फिर से एक नई टीम बनाने की तरफ नीलामी में जाएगी, क्योंकि ना विदेशी करें और केएल राहुल पर सवाल उठ रहा है, तो अब तो इनका कप्तान भी नहीं है, तो बड़ी समस्या पंजाब के लिए होगी। पंजाब को किन्हें रिटेन करना चाहिए कमेंट में बताइए, और अगर आप पंजाब के फैन है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान के लिए मौका है, मौका इसलिए है क्योंकि रिपोर्टेडली ये भी 3 खिलाड़ी रिटेन कर रहे हैं, 2 विदेशी और 1 भारतीय खिलाड़ी ये लोग रिटेन करेंगे, संजू सैमसन, बेन स्टोक और जॉस बटलर, ये वो 3 प्लेयर है जो इनकी तरफ से रिटेन होने वाले हैं। जॉफ आर्चर नहीं होंगे बिकॉज लिमिट है, आप 2 से ज्यादा विदेशी नहीं ले सकते, और भारतीय इनके पास ऐसे कोई नहीं है जिन्हें एकदम आंख मीच कर रिटेन कर लिया जाए। यशस्वी जायसवाल के बारे में बहुत सारे लोग बोलेंगे लेकिन अभी इनकी वैल्यू अनलॉक होना बाकी है, तो 1 भारतीय, 2 विदेशी और फिर से राजस्थान नई टीम बनाने की तरफ नीलामी में जाएगा। हालांकि पिछली नीलामी में ही राजस्थान ने बता दिया था कि वो मेगा ऑक्शन की ही तैयारी कर रहे हैं। अब आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए राजस्थान को किन्हें रिटेन करना चाहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं 6वीं टीम की, तो 6वें नंबर पर अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। यार मुंबई की टीम ड्रीम टीम है, मतलब ऐसी टीमें बनती नहीं है, ऐसी टीमें सदियों में एक बार बनती है लेकिन बन गई है टूटेगी भी, क्योंकि 3 प्लेयर्स रिपोर्टेडली रिटेन कर रहे हैं, 4th नाम भी जुड़ सकता है। 3 प्लेयर्स हैं दोस्तों, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कायरन पोलार्ड, रिपोर्टेडली ईशान किशन का नाम भी जुड़ सकता है लेकिन उसके लिए अभी तक इन पर विचार चल रहा है, लेकिन 3 कन्फर्म है, कायरन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, मतलब इनका कोर रिटेन रहेगा। देखते हैं 4th प्लेयर कौन आता है, कुछ लोग ईशान किशन बोल रहे हैं, कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं सूर्य कुमार यादव है, कुछ कोर्सेस हार्दिक पंड्या भी, कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ईशान किशन फ्रंट रनर है, अगर हुआ तो किशन की एंट्री हो जाएगी। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए किन 4 को इन्हें रिटेन करना चाहिए, और अगर आप भी मुंबई के फैन हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 4 खिलाड़ी रिटेन कर रही है, एक कोर मेंटेन करेगी और कुछ नए भारतीय खिलाड़ियों को लेकर आएंगे, इनकी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। लेकिन जो प्लेयर ये लोग रिटेन कर रहे हैं वो है केन विलियमसन, राशिद खान, टी नटराजन और मनीष पांडे। टी नटराजन, मनीष पांडे ये 2 भारतीय नाम है, तो वही विलियमसन, राशिद खान ये 2 विदेशी नाम है, कप्तानी विलियमसन ही करेंगे, वार्नर नहीं है। वार्नर क्यों नहीं है वो आपको पहले पता, वो बोल चुके हैं वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे, तो वो नहीं है यहाँ पर। अब आप भी बता दीजिए एसआरएच को किन्हें रिटेन करना चाहिए, और अगर आप भी एसआरएच के फैन है तो वीडियो लाइक कीजिए। फाइनली दोस्तों अब हम बात करते हैं आरसीबी की टीम की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से भी दोस्तों 4 नाम है, विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल, उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और चहल या एबी डिविलियर्स में से किसी एक को रिटेन किया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी है कि एबी डिविलियर्स को बाहर किया जा सकता है और नीलामी में टारगेट किया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी है कि अगर एबी डिविलियर्स को आरसीबी ने बाहर कर दिया तो वो नीलामी में पहुंचेंगे ही नहीं, वो जो 2 अहमदाबाद और लखनऊ है ना उनमें से किसी एक टीम में चले जाएंगे। इसीलिए जो रिपोर्ट्स है वो ये है कि आरसीबी को ना चाहते हुए भी एबीडी को रिटेन करना पड़ेगा। मैं ना चाहते हुए क्यों बोल रहा हूँ, एबीडी खराब प्लेयर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भाई ज्यादा समय नहीं है उन्हें आईपीएल में, और आपको टीम आने वाले 6-7 सालों के लिए बनानी है। तो लेट्स सी इस पर क्या होता है, आप भी बताइए किन 4 को आरसीबी को रिटेन करना चाहिए, और अगर आप भी आरसीबी के फैन है तो वीडियो लाइक कीजिए। ये तो थी दोस्तों आईपीएल की 8 टीमें और सभी के द्वारा रिटेन किए जाने वाले प्लेयर्स के नाम। कमेंट में आप भी बताइए आपके हिसाब से किस टीम को किन्हें रिटेन करना चाहिए, कौन सी टीम आएगी सबसे मजबूत नीलामी में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो क्या दिक्कत है, कमेंट कीजिए भाई आपके लिए, फिर बोल रहा हूँ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए, तरीका बता चुका हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।